हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पार्ट तक सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इंटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज तो क्लियर है कि जो दो नंबर्स हमें गिवन होंगे हर क्वेश्चन में, उन्हें हमें मल्टीप्लाई तो करना है, और उसके बाद हमें दिया गया है कि हमें उन नंबर्स को रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब होता है कि जितना हम उनको काट सकते हैं उतना हम उन्हें काटेंगे। कैसे, ये हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको ये फ्रैक्शन में नंबर आपको मिलता है 2/10। अब देखिए, न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 10 है, ये दोनों ही 2 के टेबल से कट सकते हैं। 2 1 2 एंड 2 5 10। तो अब ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ गए, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो हमने 2/10 को रिड्यूस कर दिया लोएस्ट फॉर्म में 1/5। अब आप इसको और आगे नहीं काट सकते हैं, तो ये इसकी 2/10 की लोएस्ट फॉर्म है 1/5। ऐसे ही हमें जो नंबर्स गिवन है, पहले हमें उनको मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ साथ फिर रिड्यूस भी करना है लोएस्ट फॉर्म में, और उसके बाद हमसे कहा गया है कि उन्हें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 7 × 3/5। तो अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज यहां लिख लिया, 7 × 3/5। अब देखिए, यहां न्यूमरेटर में 7 है और इसके नीचे डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है इसका, कि नीचे 1 होता है। अब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर को चेक कीजिए, क्या ये आपस में कट सकते हैं? अगर ये कट सकते हैं तो हम इन्हें काट देते, लेकिन 7 और 5 आपस में नहीं कट सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 7 न्यूमरेटर में है, यहां पर 3 भी न्यूमरेटर में है, 7 × 3 = 21 आ जाएगा। अब यहां इसके नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 1, और 1 × 5 क्या होगा, 5। तो यहां पर हमें आंसर क्या मिल गया, 21/5। अब हमें यह देखना है कि ये लोएस्ट फॉर्म में आ सकते हैं या नहीं, तो 21 भी 5 से तो कट नहीं सकता, तो ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको हम और आगे नहीं काट सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, हमें इनको कन्वर्ट करके दिखाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम यहां पर इस 21 को डिवाइड करेंगे 5 से। देखिए, 21 को डिवाइड किया 5 से, 5 × 4 = 20, क्या रिमाइंडर बचा, 1। जैसे ही रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो जाता है, अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर आएगा ये कोशेंट, तो ये 4 हमने यहां पर लिखा जो कि कोशेंट है, फिर यहां पर आएगा ये रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था, 1, तो यहां 1 आया, अपॉन में क्या आएगा, ये डिवाइजर यानी कि 5। तो इसी 21/5 को हमने कैसे लिख दिया, 4:1/5। ये दोनों एक ही बात होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को, कैसे कि 5 × 4 = 20, 20 + 1 करेंगे तो 21 और अपॉन में 5, देखिए यहां पर भी तो 21/5 ही है। तो आपने इसी आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके इस तरीके से दिखाना है। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 4 × 1/3। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ एज इट इज लिख लिया, 4 × 1/3। अब देखिए, ये जो 4 है इसके नीचे अपॉन में क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर ये न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर को देखिए, क्या ये आपस में कट सकते हैं, नहीं, क्योंकि 4 3 से नहीं कट सकता, 4 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके नीचे जो ये डिनोमिनेटर है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर से। तो 4 × 1 = 4 आ जाएगा, और 1 × 3 डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। तो हमें क्या आंसर मिल गया, हमें आंसर मिला है स्टूडेंट्स 4/3, और ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, हम इसको आगे नहीं काट सकते क्योंकि 4 3 से नहीं कटता। अब हमें इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। उसके लिए हम इस 4 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर यानी 3 से। यहां पर देखिए, हमने 4 को डिवाइड किया 3 से, 3 × 1 = 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 बचेगा। जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो जाता है, उसके बाद हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये जो कोशेंट है, ये वाला 1, ये हमने यहां लिखा, उसके बाद ये जो रिमाइंडर है 1, ये यहां लिखेंगे, अपॉन में ये जो डिवाइजर है 3, ये यहां आएगा। इसको हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, 1:1/3।
तो आप 4/3 बोल रही है या 1:1/3 बोल रही है, बात एक ही है, बस ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। देखिए 3 1 3, 3 + 1 4, 4/3, यानी इसका मतलब भी 4/3 ही है जो कि यहाँ पर भी लिखा था। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, और मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया है 1:1/3। अब हम थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2 × 6/7। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पर नोट कर लिया, 2 × 6/7। अब देखिए ये 2 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, 1 है। जब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है इसका मतलब 1 होता है। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट्स कि ये जो न्यूमरेटर है और ये जो डिनोमिनेटर है क्या ये आपस में कट सकते हैं? 7 2 की टेबल में नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो हम इन्हें नहीं काट सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे जो ये डिनोमिनेटर है इसको इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 6 दा यहाँ पर आ जाएगा 12, और इसके नीचे क्योंकि 1 है तो 1 × 7 करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो अब हमें मिल गया है 12/7, और ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, हम इनको आगे नहीं काट सकते। देखिए क्यों, क्योंकि 12 7 की टेबल में नहीं आता, या हम ये भी कह सकते हैं कि 12 और 7 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उसके लिए हम 12 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे 7 से। देखिए 7 1 7, रिमाइंडर क्या बच गया, 5। जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ, इसके बाद हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये जो क्वोशेंट है, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो यहाँ क्वोशेंट 1 है, तो यहाँ हमने लिखा 1। उसके बाद ये रिमाइंडर 5 यहाँ पर आएगा, अपॉन में क्या आएगा, ये जो डिवाइजर है 7, और इसको हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, 1:5/7। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 12/7 और 1:5/7 एक ही बात है, 7 1 7, 7 + 5 12, और अपॉन में 7 है। तो आप 12/7 कहिए या 1:5/7 कहिए, बात एक ही होती है। तो हमने इस सॉल्यूशन को, इस आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में यहां पर शो कर दिया है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 5 × 2/9। अब सबसे पहले हम इसको आंसर में एज इट इज लिख लेंगे, 5 × 2/9। अब देखिए 5 अकेला नहीं है, 5 के नीचे 1 है। अब ये 5 और इस 9 को देखिए, क्या ये आपस में कट सकते हैं? नहीं, क्योंकि 9 5 के टेबल में नहीं आता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 5 × 2 करेंगे तो 5 2 10 आ जाएगा, 5 के नीचे क्या है, 1। तो 1 × 9 करेंगे तो क्या मिलेगा, 9। तो अब हमें क्या मिल गया फाइनली, 10/9, और ये ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है स्टूडेंट्स, हम इसको आगे नहीं काट सकते हैं। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर 10 को डिवाइड करेंगे 9 से। देखिए 9 1 9, 10 में से 9 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 1। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो सबसे पहले ये क्वोशेंट आएगा, क्वोशेंट की जगह 1 है तो ये 1 यहाँ पर आया, और रिमाइंडर की जगह 1 है, ये रिमाइंडर वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा, अपॉन में ये डिवाइजर 9 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा मिक्स फ्रैक्शन में जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो है 1:1/9। और याद रखिएगा कि 10/9 और 1:1/9 एक ही बात है। कैसे, देखिए 9 1 9, 9 + 1 10, 10/9, यहाँ पर भी तो 10/9 ही है। तो थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट 1:1/9। अब हम थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2/3 × 4। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लिया, 2/3 × 4। अब देखिए स्टूडेंट्स 4 अकेला नहीं है, 4 के नीचे 1 है। अब इस डिनोमिनेटर 3 को देखिए और इस न्यूमरेटर 4 को देखिए, ये 4 और 3 आपस में नहीं कट सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 8 आ जाएगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो 3 1 3। अब हमें क्या मिल गया, 8/3। अब ये आपस में कट नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उसके लिए हम 8 को डिवाइड करेंगे 3 से।
थ्री टू द सिक्स, एट में से सिक्स माइनस करेंगे टू बचेगा। अब ये रिमाइंडर जैसे ही इस डिवाइजर से छोटा हुआ, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो क्वेश्चन में टू है ये टू यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये जो रिमाइंडर वाला टू है ये यहाँ पर आएगा, अपोन में ये जो डिवाइजर वाला थ्री है ये यहाँ पर आएगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, टू इज टू टू अपॉन थ्री। तो हमने फिफ्थ पार्ट के आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी दिखा दिया है, और फिफ्थ पार्ट का जो हमारा फाइनल आंसर आया स्टूडेंट्स वो है टू इज टू टू अपॉन थ्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।